हिमाचल इंडिया मेरी अनिवनीता के साथ आई देखते हैं आज की हमारी खास और बड़ी खबरें। 14 वर्षीय किशोर की बेरहमी से पिटाई, पारा के बोरी रोड स्थित अणु पब्लिक स्कूल में छात्र देवराज हुआ घायल। पिता दिनेश भाबर का कहना है कि बोरी रोड पारा की स्कूल के संचालक ने स्कूल की प्रार्थना ठीक तरीके से नहीं आने के कारण लोहे की रॉड से इतना पीटा कि घुटने के नीचे पिंडलियों पर घाव के निशान हो गए हैं, घाव से खून भी बह रहा है। देवराज के पिता ने पारा पुलिस चौकी पर अणु पब्लिक स्कूल के संचालक आनंद खड़िया के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करवाया। देवराज के पिता ने आरोप लगाया कि स्कूल के अंदर अवैध रूप से ईसाई मिशनरी गतिविधि का संचालन हो रहा है। हिंदू संगठन के लोगों ने पुलिस प्रशासन के विरुद्ध बस स्टैंड पर धरना देकर पुलिस का पुतला जलाया, नारेबाजी की। मामले की गंभीरता को देखते हुए कोतवाली थाना प्रभारी सुरेंद्र सिंह पारा चौकी पर पहुंचे एवं छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण कर मामले की जाँच में लिया। देवराज भाबर अनु पब्लिक स्कूल में पढ़ने जाता था, वहाँ पे स्कूल की छुट्टी होने के बाद जो ईसाई की प्रहरी लगती है, इनकी प्रार्थना लगती है, वो स्कूल नहीं आती है। तो आनंद खड़िया ने इसके लिए मारा कि प्रार्थना क्यों नहीं सीखी अभी तक, ईसाई की प्रहरी क्यों नहीं, और अभी तक क्यों नहीं सीखी। तो मैंने पूछा बच्चों को, या तुम स्कूल में पढ़ने के लिए भेजते हो या बुलाते हो, या फिर धर्मांतरण की प्रार्थना नहीं कराने के लिए। इस संबंध में बालक को मारा और लोहे की रॉड से मारा। एक बार स्कूल में अंदर मारता, ये पढ़ाई को लेके मारता तो अलग बात होती, और इन्होंने इसलिए मारा कि लोहे की रॉड से मारा कि ईसाई की प्रहरी क्यों नहीं आती, प्रार्थना क्यों नहीं आती, तिलक क्यों लगा के आता, आइंदा ये नहीं होना चाहिए, इस तरह से हरकत हुई है। इसलिए हमने 1 बजे से बैठे थे, हम 3 बज गई थी और चौकी पे अभी 5:30 हो गई, एफआईआर नहीं हुई, इसलिए हमने पुतला जलाया। पुलिस प्रशासन जय सियाराम। तिलक मत लगाओ ऐसा आनंद सर कहते। प्रार्थना कौन सी बोला था? गॉड वी सुबह, हाँ सुबह की गॉड वी थैंक यू। और फिर छुट्टी होती जब? डियर गॉड। और क्या क्या बोलते हैं? चप्पल मत पहन के आओ। स्कूल का नाम? आनंद सर। स्कूल का नाम? पब्लिक फाउंडेशन स्कूल पारा। कौन सा सर? आनंद सर। चलो ठीक है, मेरी बात लेट हुआ, माफी मांगता हूँ। अभी टाइमिंग कर रहे हैं, मैं करवा रहा हूँ, जैसा आप बोलोगे वैसा लिखेंगे ठीक। अरे इतनी बेरहमी से मारा उसने बच्चे को, तो कार्रवाई बोला तो प्रार्थना देखो आती नहीं इसलिए मार रहा, प्रार्थना को निवेदन समझो, मैं निवेदन कर रहा हूँ, कायमी अभी कर रहे हैं, तत्काल उसको पकड़ के जेल भेजेंगे। ये आश्वासन मैं दे रहा हूँ, जेल में 10 महीने, मैं नहीं बात सुनो, 10 महीने यहाँ रहा हूँ, मुझका भरोसा है आपको। अरे कल 12 बंद कर दो, मेरी बात पे भरोसा रखो, 10 महीने मैंने काम किया है यहाँ पर, कार्यशैली को अगर तुम जानते हो, मैं गारंटी दे रहा हूँ, कोई और नहीं दे रहा, मैं गारंटी दे रहा हूँ ठीक है। मेरी गारंटी के लिए पुलिस बिल्कुल अभी करूंगा, मैं अभी करवा रहा हूँ, जो बोलोगे वो लिखेंगे। अरे मैं बोल रहा हूँ ना, मैं आ गया हूँ, उसके बाद कोई मतलब है क्या? सर देखो, पूरे हिंदू समाज से बोल रहा हूँ, 6 बजे की रात नहीं हुई हम।